अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग मोइनाबाद में माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने हैं। ये वो कॉलेज है जहां से केसीआर साहब ने मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान लिखना शुरू की। 2014 के इलेक्शन में केसीआर साहब ने मुसलमानों से ये वादा किया कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे इख्तदार पर लाइए, मैं मुसलमानों में तालीमी जाल बिछा दूंगा। जिस तरह से झाड़ पे पत्ते हुआ करते हैं, उस तरह से तेलंगाना में माइनॉरिटी कॉलेजेस हुआ करेंगे। केसीआर साहब का ये वादा था, ये वादे में मुसलमान आकर उनका साथ दिए और उनको इख्तदार पर लाए। लाने के बाद सबसे पहला काम केसीआर साहब ने इस कॉलेज को बंद करने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, और यहाँ से ये सिलसिला शुरू करके उन्होंने टोटल 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के दौरे इख्तदार में जनाब शब्बीर अली साहब ने बहुत ही मेहनतों से, काविशों से 56 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बुनियाद रखी थी। 56 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेंक्शन करवाए थे ताकि मुसलमानों में तालीम आम हो जाए। केसीआर साहब 2014 में आने के बाद उन्होंने उन 56 कॉलेजेस में से करीब 51 को बंद कर दिया, सिर्फ 5 को बाकी रखा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक कॉलेज में हम 400 सीट का अगर हिसाब रखें, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेस हुआ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस हिसाब से अगर एक कॉलेज में हम 400 सीट का हिसाब रखें तो 51 कॉलेजेस में 20,400 सीट होते हैं। हर साल 20,400 मुसलमान बच्चे इन कॉलेजों से इंजीनियरिंग जैसी तालीम हासिल करके सर्टिफिकेट लेके अपने मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते थे। मगर 2014 से केसीआर साहब आने के बाद उन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल पर ताला लगा दिया। ये जो ताला गेट पर लगा हुआ है, ये गेट पर नहीं बल्कि मुसलमानों के मुस्तकबिल पर ताला है। हर साल 20,400 यानी केसीआर साहब के दौर 10 साल के दौर इख्तदार में 2,04,000 मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। मुसलमानों में ये चीज़ आम है कि एक बच्चा अगर फैमिली से अगर सट हो जाता, पढ़ लिख के काबिल हो जाता, तो उन्हें अपनी सारी फैमिली को संभाल लेता। तो इस हिसाब से 2,04,000 बच्चे नहीं बल्कि 2,04,000 मुस्लिम फैमिलीज को केसीआर साहब ने बर्बाद कर दिया। इसकी वजह यह है कि उनको महाराष्ट्र में जो नागपुर में हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर से उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप नागपुर के हेडक्वार्टर्स के से उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप सेकुलरिज्म का नाम लेते हुए आप इख्तदार में रहिए और मुसलमानों को तालीम से महरूम करते जाइए। उस इंस्ट्रक्शन पर ये केसीआर साहब काम अंजाम दे रहे हैं। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, अगर तीसरी बार गलती से अगर केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो जो बाकी बचे कुचे मुस्लिम इदारे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये सारों को केसीआर साहब तबाह कर देंगे, बंद कर देंगे। तो मेरी मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए और कांग्रेस का साथ दीजिए, केसीआर साहब को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने से रोकिए। क्योंकि अगर कांग्रेस अगर आएगी, अब अगर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, तो बराबर ये जो 51 कॉलेजेस जो बंद हो चुके, वो बराबर फिर इंशाल्लाह रीओपन होंगे। कल तक इन कॉलेजेस में जो तालीम की रोशनी हुआ करती थी, आज जो अंधेरा है, फिर कल वो कांग्रेस आने के बाद यहाँ पे तालीमी रोशनी फिर आएगी और मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, टीआरएस के एमएलए सुधीर रेड्डी के पास, सविता इंदिरा रेड्डी के पास, केटीआर के पास, हरीश राव के पास, एक चार मासूम मुसलमानों को लेकर जाके बादुक ठहरा के फ़ोटो ले रही, लेके उन लोगों को बोल रही कि साहब पूरी कौम, पूरा महल्ला हमारे साथ है, बोल के लाख दो लाख रुपए ला ले रही और कौम का सौदा कर रही। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए और एहतियात कीजिए। और केसीआर साहब, इतना मैं एक एक बात खोल खोल के समझाने के बावजूद, मुसलमानों के केसीआर साहब इतने बर्बाद करने के बावजूद भी अगर आप लोग केसीआर साहब का साथ देंगे चंद कौड़ियों के खातिर, तो फिर ऐसी कौम के लिए बहुत हालात ख़राब होंगे, आगे मुस्तकबिल बहुत ख़राब होगा। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि आपके कांग्रेस का साथ दीजिए और इन सारे तालीमी इदारों को फिर ओपन करने के लिए एक मुहिम चलाइए। इंशाल्लाह ज़रूर कांग्रेस आएगी तो बराबर फिर मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।